हेलो गाइस, आरआरबी ग्रुप डी की क्लास 3 में आपका स्वागत है। और जो लोग हमारा लेक्चर पहली बार देख रहे हैं वो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख लें, जिससे उन्हें आसानी होगी समझने में। आज भी हम नई क्लास में कुछ नया लेके आए हैं। मैथमेटिक्स की क्लास है आज की, आज हम मैथ डिस्कस करने वाले हैं। और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड कमेंट भी करिए। जो क्वेरीज हैं आपकी वो भी पूछ सकते हैं, जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करेंगे। अब चलिए हम देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। बी की अपेक्षा ए ज्यादा कार्यकुशल है। यदि बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है तो ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं इस पैटर्न पे, तो आप लोगों को आसानी होगी बहुत समझने में भी। टाइम एफिशिएंसी रहती है, कार्य क्षमता मतलब क्या होता है एफिशिएंसी, और उसे हम मानते हैं चाय पीना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें हम पर डे के लिए सॉल्व करते हैं। और अगर बोला गया दुगना कार्यकुशल है तो ए एक दिन में 2 चाय पिएगा और बी एक ही चाय पिएगा। अब बी किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा था, 12 दिन में, और ए का आपको निकालना है। तो देखो अगर बी एफिशिएंसी के हिसाब से कितनी चाय पीता है, एक चाय पीता है एक दिन में, तो 12 दिन में कितनी चाय पिएगा। कुल कार्य निकल आया, कुल कार्य तो चाहिए था क्योंकि ये 2 दिन में यदि ये एक दिन में 2 चाय पीता है तो 12 चाय कितने दिन में पिएगा, 12 बटा 2, अब 6 दिन, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 6 दिन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं, पिछले लेक्चर्स में बहुत डिस्कस किया है। किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक पथ बना हुआ है। इस पार्क की आंतरिक परिधियों और बाह्य परिधियों के बीच अंतर कितना है, 132 है, तो उस पार्क की चौड़ाई क्या होगी। देखो सिंपल से कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अगर मैं बोलूं वृत्ताकार है तो पार्क की चौड़ाई क्या हो गई, भाई पार्क में जो रास्ता है वो ये है, रास्ते की चौड़ाई में ये मान सकता हूं। अब ये कैसे निकलेगी, अगर यहां पर यह R1 है और ये R2 है, तो मैं R2 में से अगर R1 घटा दूं तो बचेगा क्या, सिर्फ ये पोर्शन है ना। तो अब ये कैसे निकलेगा, आपको क्या दिया हुआ है, परिधि। परिधि क्या होती है, पैरीमीटर। तो अगर मैं देखूं इंटरनल के लिए ठीक है, और फिर देखिए एक्सटर्नल के लिए ठीक है, तो इसके लिए पैरीमीटर क्या होगी, 2πR1। फॉर्मूला सबको पता है परिधि का, 2πR होता है। अब इनके बीच में आपको अंतर दिया गया है, मतलब 2πR2 माइनस 2πR1 बराबर कितना दिया है, आपको क्या निकालना है, R2 माइनस R1, 2π कॉमन आ जाएगा, 2π कहां हो गया, डिवाइड में चला गया। लिख सकता हूं मैं 22/7, 7 ऊपर आ गया, 22 से कैंसिल कर दिया, 6 बार कैंसिल हो गया, फिर और हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, 21 मीटर, क्योंकि आपकी यूनिट मैंने सेंटीमीटर में लिख दिया था, क्योंकि आपकी यूनिट मीटर में है तो आप किस में लिखोगे, मीटर में, क्योंकि 132 मीटर क्या था, जो आंतरिक परिधि और बाह्य परिधि के बीच डिफरेंस था वो था आपका 132 मीटर। तो आपका आंसर कितना आया, उसकी चौड़ाई कितनी हो गया, R2 माइनस R1, कितना आया, R2 माइनस R1 21 मीटर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं का योग 1/2 तथा उनका अंतर 3/4 है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखो मैंने माना संख्याएं क्या है, x और y, अब इनके बीच में जो सम है वो 1/2 है और जो अंतर है वो 3/4। तो देखो पहली बात तो दोस्तों एक चीज समझो, यहाँ पर आपका जो सम है मतलब जो योग है वो कम आ रहा है, वो हाफ आ रहा है, और जो अंतर है वो ज्यादा आ रहा है। इट मीन्स एक संख्या माइनस में होगी और एक प्लस में होगी, तो आपका जो प्लस में आंसर आएगा वही आपकी सबसे बड़ी संख्या रहेगी। सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ दूं मैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं प्लस कर दूंगा तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या है 2x। अब क्या हुआ 1/2 प्लस एलसीएम ले लिया, 8 हो गया आपका एलसीएम लेने पर है ना, और यहां क्या आ गया 2 प्लस 3, तो कितना आ गया 5/8, सॉरी यहां 4 आ गया, और कितना आ गया अभी 5/4, x बराबर क्या हो गया 5/4 into 2 मतलब 5/8।
आई होप आपको क्लियर हो गया। अब ये क्या आया आपका, एक संख्या ही x, y obviously x से कम होगा दोस्तों। क्यों होगा, क्योंकि अगर आप देखो तो 3/4 अंतर है जो कि बड़ा आ रहा है योगफल से, मतलब एक संख्या प्लस और माइनस पहले से ही दिख रहा था, तो आपकी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी x। और अगर आपको y भी निकालना होता तो यहां पर पुट कर देते हैं 5/8। देखिए मैं बताता हूं कैसे y माइनस में आएगा, x आ गया 5/8, अब y एलसीएम कितना 8, इन दोनों में कॉमन करो कितना आएगा 4, तो आपका कितना हो गया ये -1/2, y हो गया -1/2 और x हो गया 5/8, तो बड़ी संख्या क्या हो गई x 5/8। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है 8888888, 6 बार 8 है, 888888, 8,88,888 डिवाइड बाय x इक्वल टू क्या 11। और आपको यहाँ क्या फाइंड आउट करना है x, सिंपल है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर भाई 11 डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ क्या जाएगा x, यही चाहिए था आपको 11 8 11 8 11 8। आई होप आपका आंसर आपके सामने है, अगर आप देखो यहाँ पर 88 then 88 then 88, तो आपका क्या आ गया 888, तो आपका x बराबर क्या आ गया यहाँ पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं हम, इस तरह के आसान क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं और आपको स्पीड अपनी एक्यूरेट रखनी है कि हम अच्छे से अटेम्प्ट कर सके विद एक्यूरेसी, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन भी। अब आपसे बोला गया है 3, 5, 6 और 7 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि समान अनुपात में रहे। समानुपात कहने का मतलब क्या है, पहले मैंने माना वो संख्या है x, तो मैंने लिखा 3 - x। देखिए हम इसमें करना क्या है, मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ, 3, 5, 6, 7 दिया है और इसमें से ऐसी संख्या घटानी कि समानुपात में आ जाए, तो मैंने माना इसमें से x घटा दूं मैं तो ये समानुपात में आ जाएंगे। तो ये देखिए समानुपात का मतलब क्या होता है, आप देखेंगे ये रेशियो लिखा मैंने, ये रेशियो, ये जो साइन है ना ये इक्वल का साइन होता है, इसे समानुपात कहते हैं, मतलब 3 - x / 5 - x बराबर हो जाए किसके, देखते हैं इनमें से ऐसी क्या संख्या घटानी पड़ेगी। भाई इन दोनों को ट्रांसफर कर दो, इन दोनों को ट्रांसफर करो, ट्रांसफर कर दिया, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, 7 - 21, यहां पर किया तो -3x, फिर -7x + x2, यहां करोगे 30, फिर 6 का किया -6x, फिर x का किया -5x + x2, x2 से x2 कैंसिल हो गया, अगर आप देखो तो 3x और यहां पर कितना है टोटल कर लो भाई, अब हमारा क्या बचा 21 -3x माइनस 3x और 7x कितना हो गया यहां पर -10x बराबर, उस साइड क्या बचा आपका, ठीक है मैं एक साइड ले लेता हूँ, इस साइड ले लेता हूँ, तो x बराबर क्या आ गया आपका 30 में से 20 बन जाएगा, तो वो संख्या है 9 जिसे मैं घटाऊं तो समानुपात में हो जाएगा आपका, जो ये दी गई चारों वैल्यू है ये आपस में क्या हो जाएंगी समानुपात में हो जाएंगे, समानुपात में हो जाएंगे। समानुपात का क्वेश्चन है, आसानी से हमने सॉल्व करने की कोशिश करी, बहुत आसान होता है, कुछ नहीं होता है, आप जो पैटर्न होता है कि इक्वल में हो जाए तो आप पहली और दूसरी वैल्यू को रेशियो में लेते हो, जो घटाना था x ले लिया, घटा दिया और इक्वल कर दिया, और फिर हमने क्या करा उस संख्या को इक्वल करके निकाल लिया, बस दैट्स इट, ये सॉल्व हो जाएगा। आई होप आज के इस लेक्चर में आपने एंजॉय किया होगा, काफी चीजों को समझा होगा, बारीकियां समझी होंगी, आने वाले लेक्चर्स में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।